हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज जो मेरी वीडियो है बहुत सुंदर फ्लोवर पे है, और जो विंटर के फ्लोवर है और कुछ शॉपिंग की है मैंने, कुछ घर में जो आते हैं उनसे शॉपिंग की है और कुछ नर्सरी से की है, दो तीन जगह से की है थोड़ी, वो भी आज मैं शेयर करूँगी। और अपने जो पुराने हैं उसको भी मैं दिखाऊँगी कि क्या कंडीशन है उनकी अभी इस समय। तो आइए मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। तो ये देखिए, एक तो मैंने इसको बाय किया था, ये नेस्टेडियम जो होता है, तो ये वेरीगेटेड है। ये देखो लिप्स की, और ये येलो कलर का है। और ये मैं सबसे पहले ये गजानिया की दिखाती हूँ, नहीं तो ये बंद हो जाते हैं। फिर ये धूप से कम 9-10 बजे के बाद ही अच्छे से ब्लूम करते हैं, पूरे खिलते हैं। ये धूप से ही होता है, अगर धूप है हमारे पास जगह धूप में रखने के लिए तब तो ठीक है, तब तो इसे लें। और ये क्योंकि ये धूप का ही प्लांट है, ये धूप में ही खिलता है, कम से कम 4-5 घंटे की चाहिए इसको। एक ये कलर है और एक सुंदर प्यारा सा ये कलर है मेरे पास। ये देखो कितना सुंदर फ्लावर है, इस पर कलर बहुत ही अच्छा है इसका। देखो कलर कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है, ये शेडेड है। और एक ये येलो कलर का है, कितना प्यारा सा है, बहुत ही सुंदर है। ये देखो कई सारे हैं मेरे पास, कम से कम 6-7 है मेरे पास। ये देखो एक ये वाला है, ये अभी पूरा नहीं खिला और ये स्पेंड हो गया। अगर स्पेंड हो जाते हैं, जैसे ये सूख जाते हैं, तो हमें इसको यहाँ से नीचे से पूरा निकाल देना ही अच्छा है, ताकि ये इसकी एनर्जी ना ले। तभी बर्ड्स नई बनती है जब ये पुराने हम निकाल देते हैं। ये भी पुराना हो चुका है, तो इसको भी मैं निकाल दूँगी अभी। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसकी वीडियो बनाने के लिए तो इंतज़ार करना पड़ता है धूप को, क्योंकि 12-1 बजे के बाद भी ये बंद होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर नहीं बना सकते ना सुबह जल्दी इसको, तो 12 बजे के आसपास हमें बनाना पड़ता है वीडियो। ये देखो अब मैं अपने नए दिखाती हूँ, जो मैंने खरीदे वो भी दिखाती हूँ। ये देखो ये डहेलिया कितना बड़ा, कितना प्यारा है, रेड कलर का और वाइट का। ये देखो कलर कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा है ये। अभी हालांकि अभी रिपोर्टिंग भी नहीं हुआ, ऐसे ही रख दिया मैंने। और एक ये वाला ख़रीदा है, और मेरे पास पहले भी कई सारे थे, मैंने आपको जो है पहले भी दिखाए हैं इसके, ये डहेलिया के। और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो ये शेडेड जैसे लग रहे हैं, थोड़ा कलर पीच कलर है और रेड मैरून सा है बीच में, बहुत ही सुंदर है ये दोनों। ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। और मेरे पहले भी मैं कई सारे आपको दिखा चुकी, क्योंकि छोटे में बड़े में सभी तरह के थे मेरे पास। और ये देखो, और ये अजेलिया का है, वाइट कलर का। ये भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ख़रीदा था, बहुत ही सुंदर है। और दो हैं अजेलिया के मेरे पास, एक पिंक है, हालांकि इसमें ज़्यादा कलर नहीं आते अजेलिया में, मैंने तो 3 ही कलर देखे हैं, ये पिंक और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन है। और इसमें अच्छा एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये तो पूरा म्यूजिक है इसमें। देखो इसमें कली पहले एक बनती है जैसे ये, और फ्लावर इसके फिर बाद में दो डिवाइड हो जाते हैं जैसे ही खिलना शुरू हो जाते हैं। और ये देखो दो, इसके दो फूल बन जाएंगे, एक इधर और एक इधर। और इसके भी ऐसे थे दो, देखो एक पहले ये और इसके बगल में ये दूसरा, दो फूल खिलते हैं, वो भी बड़े, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखो कितना सुंदर, बहुत ही प्यारा है। ये देखो वाइट कलर का, बहुत ही सुंदर है ये। और एक ये मेरा पिंक है, ये भी बहुत प्यारा है। कितने सारे खिले हैं इस पर, तो देखो इधर से दो खिलते हैं भाई। देखो इसमें भी दो खिलने वाले, एक ये खिलेगा एक ये। बर्ड्स पहले एक ही होती है, जैसे ये है एक ही बर्ड्स है, और फिर बाद में दो फूल खिलते हैं। देखो एक बर्ड्स है और फूल दो बन जाते हैं। और फूल भी देखो छोटे नहीं है, पेड़ छोटा है, मगर बड़े फूल अच्छे हैं, सुंदर, बहुत ही प्यारे। और ये मेरा सेवंती का है, ये देखो ये भी वाइट कलर का, कितना प्यारा लगता है खिलने के बाद। और मेरे पास सेवंती के तो बहुत ही सुंदर कलर थे, वो मैंने पहले दिखाए थे आपको, तो अब उसको भी दिखाऊंगी अब उनकी क्या कंडीशन है। और देखो ये भी कितने सुंदर है ना, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं सेवंती के। ये मेरे 15-20 दिन से ये खिला हुआ है, अभी ये खिलेगा और बाकी मेरे 2 महीने कोई 3 महीने ऐसे हो गए। तो एक ही है, देखो ये भी मेरे पास 1 महीने से है और बराबर खिला हुआ है, कितना सुंदर, छोटा सा जैसे बटन रोज होता है उसी तरह छोटे गोल फूल होते हैं। ये भी सेवंती का ही है, देखो शेडेड है,
बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है। और अब ये मेरे पास देखो, ये प्लांट यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ये पिटोनिया के, पिटोनिया के मेरे पास बहुत कई सारे कलर हैं, कम से कम 8-9 कलर है मेरे पास और सभी कलर में है, बहुत ही सुंदर सुंदर कई सारे आ रहे थे। इस पर मैंने पिंच कर दिए, इसमें बहुत सारे थे, देखो पिंच करने के बाद कैसे बन जाते हैं इसकी बर्ड्स कलियाँ और ब्रांचेज नई नई निकलने लगती है। अगर पुरानी है एक्सपेंड हो जाए तो उनको तुरंत निकाल दो तो बड़ी जल्दी से बन जाती है इसकी। देखो मैंने परसों ही निकाली थी और एकदम अच्छे से बन गई। और मेरे पास कई सारे कलर हैं इसके, देखो मैं दिखाती हूँ, एक ये रेड है, ये देखो ये अभी चलते चलते अभी निकल गया इसमें से, मेरे से ही निकल गया क्योंकि प्लांट बहुत सारे हैं और जगह कम है, तो जहाँ धूप आती है मैंने सब प्लांट ये वहीं पे रखे हुए, बहुत ही प्यारे। इसके भी मेरे पास पिटोनिया के बहुत सारे कलर हैं। और ये देखो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये तो मैंने शायद पहले भी दिखाया था, ये बिगोनिया के, ये भी 4 कलर की 5 है मेरे पास। ये वाइट है, वाइट कलर मुझे बहुत ही पसंद है, हर फ्लावर में मेरे पास वाइट कलर जरूर मिलेगा। ये देखो कितना सुंदर है, और ये रेड कलर है, और भी है मेरे पास कई सारे हैं, ये इधर रखे नहीं है। और ये डैंथस है, और ये भी सदाबहार भी देखो, ये भी बिरका भी अच्छे से खिल रही है अभी, अच्छा ब्लूम कर रही है। और ये कैलेंडुला है, ये देखो कितना प्यारा फूल है, और ये खिल चुकी है, स्प्रेड हो गई, इसको सबको मैं निकाल दूँगी। और ये मेरी कलेंची है, देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, ये मैंने बाद में खरीदे थे, तो अभी ये फ्लावर भी इसके भी बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे गुच्छे में इतने सुंदर आ जाते हैं। और कितने कम से कम 2-2 महीने तक ये फ्लावर इस पर रहता है, और जब स्प्रेड हो जाए इसको निकाल दो फिर बन जाते हैं दोबारा से, तो मतलब ये है कि इस पर तो बने ही रहते हैं, इस पर फूल ख़त्म ही नहीं होते, सारे विंटर इस पर बने रहते हैं। ये देखो कितने खूबसूरत है, और काफ़ी सारे कलर भी बहुत प्यारे हैं। और अब ये देखो ये कितना सुंदर है, ये भी वाइट कलर का, देखो इम्पेशेंस, ये हाइब्रिड है, ये देखो बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं इसमें, बड़े बड़े फूल और बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं इसकी लिप्स, इसमें भी काफ़ी सारा फूल आया था और मैंने सब निकाल दिया, स्पेंड जब हो जाते मैं निकाल देती हूँ। और अभी भी देखो बर्ड्स बनी हुई इसमें कई सारी, और एक ये है ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का है, ये देखो इस पे तो बहुत ज़्यादा फूल था, मैंने अभी परसों ही निकाले हैं बहुत सारे, कितने सुंदर सुंदर कलर है, देखो इस अभी भी काफ़ी सारे हैं, ये देखो। और ये डैंथस है, ये तो पुराना ही है मेरा, अपने घर के हैं, रेड कलर के, 2-3 साल से ये मेरे चल रहे हैं। और मैं आपको एक सुंदर सा फ्लावर दिखाती हूँ जो मैंने खरीदे हैं, शॉपिंग किया यहीं से खरीदी ली थी, ये तो मैंने प्लांट यहीं से लिए थे। देखो ये प्राइम रोज है, कितना प्यारा है इसका, देखो छोटा सा प्लांट होता है पत्तियों वाला, और देखो फूल इतना सुंदर लगता है, इतना देखो, ये देखो अंदर से रेड है और वैसे मजेंटा कलर है, डार्क पिंक। और एक ये है, ये थोड़ा सिंदूरी टाइप में है कलर, इसमें थोड़ा ये साफ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही सुंदर कलर है। और देखो कितनी ये सारी बर्ड्स हैं, छोटी 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 छोटी, कितनी प्यारी प्यारी है। अब इनका सीजन आ गया है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये नर्सरी में भी आ गए हैं, मैंने अभी नर्सरी का भी दिखाऊंगी यहाँ, ये तो मैंने यहाँ घर में ही खरीदे थे, और मैं अभी आपको नर्सरी में दिखाऊंगी मैंने कौन सा लिया। देखो ये येलो कलर का, ये बहुत ही सुंदर है, देखो कितना खूबसूरत है, इसमें कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, ये देखो 5 हैं, और इनको फैलने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है फूलों को, देखो कितने ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। और अभी कलियाँ भी बन के नीचे से आ रही है, ये कलर भी मुझे बहुत सुंदर लगता है, कितने क्यूट से हैं, देखो कितने प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। एक और है मेरे पास, ये देखो ये कुछ अलग टाइप का है, ये देखो ये कुछ अलग टाइप का, इसकी थोड़ी ये देखो ऐसे स्ट्रोक से आ रहे हैं अंदर से इसके, ये देखो स्टेम जैसी, और तब इसमें ब्लूमिंग हो रही है, ये पतली सी लपी सी, और इसके ऊपर कैसी गुच्छू भी लगा हुआ है, देखो कितना प्यारा। ये भी डबल शेड का है, जैसे पहले वाइट होता है फिर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो कितना सुंदर कलर आ जाता है, फिर वाइट का और पिंक का कलर कितना सुंदर है इसमें, पहले वाइट होता है और फिर जैसे जैसे टाइम होता है बढ़ता चला जाता है और पिंक होता चला जाता है उसी फिर बाद में, ये देखो कितना प्यारे, बहुत सारे फूल लगे हैं इसमें देखो, और ये गुच्छे गुच्छे, ये कितनी सारी बर्ड्स भी बनी हुई है। अगर इस तरह के आप खरीदो तो ये अभी आ रहे हैं इस समय, पहले तो फूल नहीं थे, मैंने देखे थे पहले भी, मैंने लिया था एक तो उन पे फूल नहीं थे, अब इस पे ये
नर्सरी में नए नए आ गए हैं, सुंदर सुंदर बड़े अच्छे अच्छे आ गए। और ये देखो ये मेरा डायंथस, ये फूलों में इतना भरा हुआ था, मैं आपको बताऊंगी किसी दिन इसकी एक वीडियो बनाऊंगी इसमें मैंने क्या किया। पिंचिंग तो करनी ज़रूरी होती है, तो मैंने कुछ इसमें ऐसी खाद डाली थी जो मैं आपको इसका एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही सुंदर है, पूरा भरा हुआ है ये देखो। और ये स्टॉक का है, ये तो पहले भी दिखाया था मैंने, देखो इसकी जो पहले ये यहाँ पे ये आए हुए थे भरे हुए बड़े बड़े, वो सूख गए थे, वो मैंने इसको निकाल दिए। और ये मेरे लड्डू कलर के देखो, ये भी मैरी गोल्ड भी कितने सुंदर सुंदर मोटे मोटे आ रहे हैं इसमें, बड़े अच्छे लग रहे हैं, इतना सुंदर ब्लूम कर रहा है ये भी। और ये देखो ये 7th हाइब्रिड वैरायटी होती है, तो इस पे ये विंटर में भी खिलते रहते हैं। हमारा जो देसी वाला है वो वैसे तो अच्छा होता है दवाइयों के लिए, आयुर्वेदिक होता है, लेकिन ये जो है इस पे विंटर में भी ब्लूमिंग चलती रहती है। देखो कितने सारे अभी भी बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये हमारा ये देखो इसमें भी अच्छे आ रहे हैं, ये देखो कितना सुंदर रेड रेड कलर के अभी भी बने हुए हैं इसमें। और ये पॉइंसेटिया भी देखो कितना प्यारी सी, ये मेरे से यहाँ से टूट गई थी, नहीं तो पूरे में चारों तरफ से था इस पे ये फूल इस पे। हालांकि फूल क्या ये वैसे ग्रीन होता है नीचे से और ये रेड होता चला जाता है, ये विंटर में ही होता, तो कितना प्यारा कलर लगता है इसका, बहुत ही सुंदर। यही फ्लोवर होता है, फ्लोवर ये छोटे छोटे आते भी हैं इसमें, देखो यार। तो ये इतने इसके सामने ये इतने अच्छे नहीं लगते, मगर पीले पीले सुंदर लग रहे वैसे तो छोटे छोटे। और ये मेरा देखो डॉग फ्लोवर है पिंक कलर का, कैसे फैला हुआ है, इसकी भी मैंने पिंचिंग कर दी, बहुत सारे थे। और एक मैरी गोल्ड का मेरा ये कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, देखो कितना सुंदर लगता है। एक बार मैं यहाँ कॉर्नर का दिखा देती हूँ कैसे लग रहा है, देखो कितना सुंदर से लग रहे हैं ये देखो सारे, एक बार अच्छे से कलेंशियंस ये देखो ये सारे कितना सुंदर लग रहे हैं। ये देखो बाहर है फूलों की इस समय विंटर में, और मैं जो भी न्यू प्लांट आता है और मैं जो है ले आती हूँ नर्सरी से या यहाँ भी आता है, मैं वो खरीदती रहती हूँ। और ये देखो ये भी मेरा प्राइम रोज है, ये मैंने बहुत पहले खरीदा था छोटा सा, अभी नहीं आया इस फूल, लेकिन अब लग रहा है कि अब आएगा इस पर, ये अलग कलर का है। ये डेंथस है ये देखो छोटे छोटे रेड कलर के, ये मेरे घर के ही है। और ये कलेंचियो देखो मैंने इस पर जो तोड़ दिए इसके कट कर दिए, फूल बहुत सारे थे इस पर पुराने हो गए थे, तो ये अब नई बर्ड्स बन रही है देखो कितनी प्यारी। और ये फिर आ जाएंगे, ये फेलोक्स है ये देखो, ये सब अभी भी लगे हुए हैं, ये काफ़ी आ रहे हैं। और ये मेरी जो मैंने छोटी सैपलिंग लगाई थी उस पर भी देखो बर्ड्स आ गई, ये देखो कैलेंडुला पे ये देखो। अब मैं इसको क्या करूँगी, अभी अभी फूल नहीं लेंगे इस पर, इसको यहाँ से ये पिंच कर दूँगी फूल इसका, ताकि ये एनर्जी ना ले जा दे, नहीं तो ये फूलों में ही लगा देगा। ये निकाल दिया मैंने, और ये सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं नीचे से ये सारी बढ़ के आएंगी, तो बहुत सारे फूल मिलेंगे फिर हमें। और ये कार्नेशन है, ये सब चल रहे हैं देखो ये सब। और ये डहेलिया है, ये बड़ा डहेलिया था मैंने काट के, देखो इतनी सारी ब्रांचेज आ गई है इसमें। और ये कमेलिया है, ये भी मैंने बाय किया है, ये देखो ये यहीं से बाय किया है मैंने। और इसमें कमेलिया में क्या होता है, ये बड़े बड़े फूल आते हैं और बहुत सुंदर है ये भी, ये काफ़ी सुंदर है ये भी। ये देखो ये सब मैंने लगाए हुए हैं, अभी सब अच्छे से चल रहे हैं मेरे। एक बार ऐसी कैमरा दिखा देते हैं घुमा के आपको, ये देखो ये सब ये मैंने छोटी छोटी ये देखो ये लगा रखी है, कटिंग लगा रखी है सब। और ये मेरा हर्ब प्लांट कितना प्यारा लगता है ये तो मुझे। और ये बेगम बहार है, इस पर कलियाँ बन रही हैं ये देखो, ये जब खिल के आएगा मैं फिर दिखाऊंगी आपको। ये सारा देखो ये कटिंग से कितने सुंदर तैयार हो गए मेरे प्लांट, ये देखो ये सारा। और ये सलाद है जिसकी हम सलाद खाते हैं, ये वो है प्लांट। और ये इम्पेशियंस है ये, और ये देखो ये सब ये पीस लिली है, ये बेगोनिया का है पिंक कलर का, उधर भी रखे हैं इधर भी रखे हैं। ये स्टॉक है देखो, स्टॉक जो होता है मेथी वाला भी बोलते हैं इसको। और इस पर अब फूल बन के फिर आ रहे हैं, देखो कितने सारे आ रहे हैं, बहुत सुंदर लगा। ये भी वैगनवे का है, ये भी देखो डार्क पिंक है, ये बहुत सारे हैं प्लांट मेरे पास। और इन पे भी फ्लोवर आते हैं देखो, छोटी छोटी पत्ती वाले, फ्रांसिसिया है कुछ इसका नाम। और एक जरबेरा है, जरबेरा के अभी फूल पहले आए थे मेरे प्लांट में, और अभी ये रुक गए हैं, अभी फिर आएंगे। इन पे कई सारे आए जरबेरा के भी, ये देखो ये पिटोनिया है, इसकी मैंने पूरी पिंचिंग कर दी सारी,
तो अब ये कितना सारा बन के आएंगे देखो, सब पे बहुत सुंदर लगेगी। इस पर काफ़ी सारा फूल आया था इस पर मेरा, और ये वाइट कलर का पिटोनिया, पिटोनिया मेरे पास 8-9 कलर है और सारे अलग अलग हैं। ये देखो कितने सारे, ये भी स्टैंड हो चुके, मैंने सारे निकाल दिए। ये पूरा जो है मेरा ये हैंगिंग बास्केट पूरी फूलों से लदी हुई थी, ये सारे मैंने, ये देखो कुछ इस तरह से है। और ये भी, ये देखो छोटा सा कलेंच है, डॉग फ्लावर है, इसमें इतना सारा बंच बनाया हुआ था वो मैंने सब निकाल दिया। अब देखो इस पर सब कलियाँ बन के आई, काफ़ी सारा। ये गुलाब है, इस पर पहले काफ़ी आ चुके हैं, एक बार इनकी सबकी मैंने कटिंग कर दी, और ये फिर अब आ रहा है, देखो सूट बन के आ रहे हैं, ब्रांचेज बढ़ रही हैं इसकी। ये देखो मैं ऐसी दिखा देती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। और ये नस्टेडियम जो होता है वो है ये, उसका ये देखो वेरीगेटेड है ये, इसकी पीली और कुछ लिप्स इस तरह की है, ये येलो कलर का है, ये भी बहुत सुंदर। ये भी मैंने बाय किया है अभी, देखो रिपोर्टिंग भी नहीं किया अभी। और ये मेरे गजानिया है सुंदर सुंदर, ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। और एक मेरा पिटोनिया का इधर भी रखा है, ये छोटा सा, और ये छोटे फूल हैं मगर प्यारे हैं बहुत, पिंक ऐसी प्याजी कलर है, बहुत सुंदर सा है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, सारे अच्छी ब्लूमिंग पे हैं सारे फ्लावर मेरे। और ये देखो इसके गुलाब की कलियाँ, मैंने गुलाब में पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ तो इसलिए उसको जो है ज़्यादा नहीं दिखा रही। और ये मेरे सेवेंथ, ये मेरा घर का प्लांट है जो मैंने घर में तैयार किए थे कटिंग से, ये वो है मेरे। ये देखो अब खिल के आए हैं, अब मेरे घर के खिल के आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो ये भी अच्छे हैं। ये मैं पुराना पहले दिखा चुकी, ये अभी चल रहा है, ये भी मेरा अच्छा चल रहा है। इसके हालांकि मैंने जो सूखे हुए थे वो सारे निकाल दिए हैं, और ये मेरे सारे घर के हैं, अभी शुरुआत हो गई इन पर भी देखो। और एक ये है, ये सारे हैं, ये काफ़ी सारे हैं घर के भी मेरे, कई सारे हैं सेवेंथ के। और ये मेरे देखो कितने पुराने हैं मैरीगोल्ड, ये अभी चल रहे हैं। देखो एक ये है और एक ये है, कितने सारे फ्लावर हैं उस पर। और ये एग जोरा देखो, ये इसके अभी भी लगे हुए हैं, दो ही कलर हैं मेरे पास एग जोरा के, एक ये है कलर। और ये देखो कुछ बास्केट लगी हुई हैं, ये देखो कुछ इस तरह से है। और हाँ मैं अपने सेवेंथ के पुराने दिखाती हूँ, ये पहले जो दिखाती मैं, इसकी ये कंडीशन हो गई है, ये पुराने हो गए ना, अब ये लटकने लग गए सब। मैंने वैसे इसकी कटिंग कर दी, सबके निकाल दिए, काफ़ी सारे जो सूख गए थे बिल्कुल उनके निकाल दिए, और इनको भी जैसे जैसे सूखते चले जाएंगे सबको निकाल देंगे। ये अगले साल हमारे बहुत सारे कटिंग करेंगे, अगले साल के लिए ये सेव हो जाएंगे, कई सारी कटिंग लगाऊंगी मैं सेवेंथी कलर। और ये देखो एक ये था, एक सालविया का है, ये देखो कितना सुंदर है ये भी कलर इसका। और पिटोनिया का मेरे पास बहुत सारे, देखो जगह जगह रखे हुए मैंने, ये डार्क पर्पल है, ये इसमें ब्लू आ रहा है कलर, ये मेरे बर्बीना के हैं। ये कई सारे प्लांट हैं मेरे पास, और मैंने इसके सारे जितने पुराने फूल थे सारे ही निकाल दिए, इतनी सारी ब्रांचेज निकल के आई, और सब में बड बनी हुई है इसमें, सब में देखो ये सब में बड बनी हुई, और हल्की हल्की सब में ही बन के आ रही है छोटी 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 छोटी।